भगवान श्री गणेश की विदाई के मौके पर वार्ड क्रमांक एक भाजपा के तेज तर्रार नेता राम यादव और उनकी पत्नी रेखा यादव ने गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें वड़ा पाव का वितरण किया। इस दौरान भगवान गणपति को फूलों की वर्षा कर अंतिम विदाई दी। तस्वीरें देखिए किस तरह से राम रेखा यादव मंच पर खड़े होकर तमाम गणेश भक्तों को निर्देशित करते हुए उन्हें वड़ा पाव का वितरण किए। इस दौरान रेखा यादव ने कहा कि जिस तरह से भगवान गणेश की विदाई हो रही है, ऐसे में लोगों को मन हल्का हो जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री गणेश को पूजन अर्चना करने के बाद उनकी विदाई करना बेहद दुखी हो जाता है लोग। यह तस्वीरें देखिए राम यादव और उनकी पत्नी रेखा यादव किस तरह से सभी गणेश भक्तों को वड़ा पाव पानी का वितरण कर उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। खास यह बात ही कि किस तरह से गणेश भक्तों को यहाँ नाश्ते छिड़कते जब थक जाते हैं तो वड़ा पाव देकर और पानी की बॉटल देकर उन्हें एक एनर्जी दी जाती है। राम यादव का मंच देखकर लोगों को मन में कहीं कहीं यह सवाल उठने लगा, लेकिन इस जवाब में रेखा यादव ने सीधा तौर पर यह कह दिया कि भगवान श्री गणेश ही देखेंगे, क्योंकि हमने जो श्रद्धा मन से काम किया है उसका आशीर्वाद भगवान श्री गणेश ही देंगे और उन्हीं के ऊपर हमने छोड़ दिया है। क्या कुछ कहा रेखा यादव ने और राम यादव ने, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। देखिए ऐसा है कि गणपति बप्पा जी हमने छोड़ कर आज दसवें दिन अनंत चतुर्दशी दिन अपने घर पर वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 10,000 लोगों को बड़ा पाव यानी प्रसाद के रूप में यहाँ पर सुविधा रखा है, पानी की सुविधा यहाँ पर रखी है। हमने यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए लाइव सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो सब एक बप्पा को विदाई देने के लिए थोड़ा सा जो हमसे हो पाया उसका हमने काम किया। इतना बड़ा मंच मतलब जोर दिखाई दे रहा है पूरे मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में। इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आई है और उन्होंने सारे चीज़ों की परमिशन दी है। नई हंडी भी हम थोड़े धूमधाम से मनाए थे, गणपति भी आप देख ही रहे पूरे मुंबई में जोर शोर से हो रहा है, और आने वाला नवरात्रोत्सव और दिवाली भी इसी तरीके से धूमधाम से मनाए।